और जिंद में डेंगू और मलेरिया बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार फील्ड में है। इसके बावजूद मौसम डेंगू तथा मलेरिया के अनुकूल होने के चलते मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को मलेरिया का एक तथा डेंगू के 7 मामले एक साथ मिले हैं, जिसके चलते मलेरिया के 4 और डेंगू के 39 मामले अब तक स्वास्थ्य विभाग को मिल चुके हैं। हालांकि रात भरी बात यही है कि चिकनगुनिया का एक केस भी स्वास्थ्य विभाग को अब तक नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग को बढ़ा दिया है। विभागीय टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही है और विशेष रणनीति के तहत 3 तरह से सैंपलिंग कर डेंगू और मलेरिया को रोकने का काम कर रही है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को जो ही सर्दी का मौसम शुरू होता है, अस्पताल का टाइम बदल दिया जाता है। 8 बजे से ओपीडी का टाइम जो गर्मी में 8 बजे होता है उसको 9 बजे कर देते हैं। तो आज से हमारा टाइम 9 बजे से 3 बजे तक का हो गया है। अब अस्पताल में हमारी ओपीडी 3 बजे तक उपलब्ध होगी। सभी सेवाएं जो ओपीडी में उपलब्ध होती है, विशेषज्ञों की दवाइयों की, वो 2 की बजाय 3 बजे तक होंगी और अस्पताल सुबह 9 बजे खुलेगा। जी, मलेरिया डेंगू ये प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 महीनों में मलेरिया और डेंगू का प्रकोप जो है हमारे प्रदेश में आता है। इस बार भी थोड़ा सा आया है, लेकिन इस बार बहुत ही कम केस आए हैं। डेंगू के अभी तक 42 केस जो है कंफर्म केस हुए हैं और कोई भी डेंगू से रिलेटेड डेथ नहीं हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि इस समय कोई भी पूरे जिले में कहीं भी कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो किसी अस्पताल में दाखिल हो। सभी पेशेंट स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य लाभ घर पे ले रहे हैं, घर पे दवाइयां चल रही हैं जिसकी जरूरत है। तो एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि डेंगू इस समय पिछले साल इस बहुत ज्यादा हो गया था हम स्टेट में शुरू में। देखिए, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को जो ही सर्दी का मौसम शुरू होता है, अस्पताल का टाइम बदल दिया जाता है। और